था लेकिन दीर्घ है थोड़ी देर। हाँ, दीर्घ वृत्ताकार रूप में, मतलब ये जो पहले क्वेश्चन हमने जो सेकंड करा था उसमें जो मेहराब दे रखा था वो परवलयाकार आकार का था, इसमें दीर्घ वृत्ताकार है। देखो क्या कह रहे क्वेश्चन नंबर 4 की एक मेहराब अर्ध दीर्घवृत्ताकार रूप का है, यह 8 मीटर चौड़ा है, कितना है 8 मीटर चौड़ा तथा केंद्र से 2 मीटर ऊंचा भी है, सही है। एक सिरे से 1.5 मीटर दूर बिंदु पर मेहराब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल एंड अच्छा क्वेश्चन है, नहीं 4-5 लाइन का क्वेश्चन है ये। देखो लॉजिकली समझना, यहाँ पे मेहराब क्या दे रखा है, लॉजिक क्या ठीक कैसे दे रखा है, अर्धवृत्ताकार आकार का दे रखा है सर, कैसा है अर्धवृत्ताकार। तो एक सॉरी इलिप्स के आकार का है, अर्धदीर्घवृत्ताकार है। जब अर्धदीर्घवृत्ताकार होगा तो कुछ इस तरीके के शेप हाफ इलिप्स होगा, ठीक। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। थोड़ा सा इसको और सटीक बनाते हैं, ऊंचा नहीं, ऊंचा नहीं करना, यहाँ से उठा के अब और बुरा बना। कोई नहीं, तेरे लिए बुरा होगा, मिस्टर बीम की कार की वो छतरी होती है, अब से मैसी बनेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं, कार की छतरी है मान ली ये, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इसकी जो टोटल चौड़ाई जो है वो कितना है, 8 मीटर, ठीक। और इसकी जो मध्य से जो ऊंचाई है ये कितना है, 2 मीटर, ठीक। तो लॉजिकली अगर समझना तो 8 मीटर अगर इसकी चौड़ाई तो यहां से यहां तक कितना होगा, 4। तो इस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4, 0। इसका क्या होगा, -4, 0। ठीक, अच्छा अब इसकी ऊंचाई कितना, 2 मीटर है, तो ये जो बिंदु है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0.2 होगा, क्या लिखा, 0.2। अच्छा अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, कह रहे कि इसे किसी भी एक सिरे से अगर 1.5 मीटर की दूरी पर आते हैं, मतलब यहां से मानो 1.5 मीटर की दूरी पर ये यहां पे आ गए, तो कह रहे कि यहां पे इसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक ये 1.5 मीटर है, तो हमें निकालना चौड़ाई है, तो किसी चाहे इसको पलट भी देगा तो चौड़ाई चेंज नहीं होगा, सर बाइक पे बनाइए, ठीक है ना, ठीक। बाइक पे खड़ा कैसे करेगा इसको, कैसे नहीं जाएगा, ठीक ना। तो लॉजिकली वो कैसा 36 में होगा, तो 36 में होता एक्स एक्स पे बनेगा, ठीक। हाँ अब देखो ये अगर ये इलिप्स इसको कंप्लीट करते तो क्या बनेगा, एक इलिप्स बनेगा, मतलब दीर्घवृत्त बनेगा, तो दीर्घवृत्त का अपने इक्वेशन होगा, क्या इक्वेशन होगा, तो दीर्घवृत्त का जो समीकरण है या अर्ध दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होगा, एक्स एक्सिस पे है, सब कुछ आधा होना चाहिए, नहीं इक्वेशन तो होगा वही, कर्व तो वही है, 1/2 कर्व तो सही करेंगे, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपन वी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ए जो है होता है दीर्घवृत्त में, तो नहीं अच्छा हाइपरबोला मत, हाइपरबोला मत, ए जो है वो क्या है, वर्टेक्स मतलब शीर्ष का निर्देशांक है, बी माइनर एक्सिस में, ए मेजर एक्सिस में, तो यहाँ पे देखो शीर्ष क्या है 4.0 और यहाँ पे 0.2, अतः ए का मान कितना होगा 4 और b का मान कितना होगा 2, ये दे रखा है ऑलरेडी। तो इक्वेशन क्या बनेगा, x स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर बटे 16 प्लस y स्क्वायर बटे 4 बराबर 1। एलसीएम कितना है 16, एलसीएम ले लो 16, तो 4 का सॉरी x स्क्वायर 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 y स्क्वायर बटे 16 इक्वल टू 16 का मल्टीप्लाई कर देना तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 y स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा 16। इक्वेशन इसको मान लो 4 का मल्टीप्लाई गलत तरीके की तरफ नहीं, सही तो है, इन दोनों का एलसीएम कितना जाएगा 16, 16 एक 16 4 6 16 4 से 16 को भाग कर कितना आएगा 4 आएगा ना, उस 4 का किससे मल्टीप्लाई करेगा y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक। हमें क्या निकालना है कि इस शीर्ष से या इस वाले शीर्ष से अगर 1.5 मीटर की दूरी पर आते हैं तो यहां पे इसकी ऊंचाई कितनी होगी।
अच्छा अगर इस शीर्ष से यहां से अगर यहां पे आते कितना है 1.5, तो इसके सेंटर से इसकी दूरी कितनी होगी 0.5 नहीं, टोटल कितना 4 मीटर का है ये, 2.5 मीटर, ठीक है ना। तो यहां पे शीर्ष से वन फाइव फाइव मीटर या केंद्र से कितने मीटर पे 4 माइनस 1.5 इक्वल टू 2.5 मीटर की दूरी पर मेहराब की ऊंचाई मान लेते कितना है एल है या क्या मान लोगे एल मान लो या एच मान लेते हैं ठीक है। तो इसकी ऊंचाई यहां पे क्या जाएगा एच हो जाएगा, यहां से इसकी दूरी है 2.5, तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा 2.5, H सॉरी होगा क्योंकि X का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2.5, Y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा H होगा। अच्छा 2.5, H जो है वो किस पे स्थित है, इस पे एलिप्स पे स्थित है, सॉरी मतलब इलिप्स पे स्थित है, तो इलिप्स के इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पे लिखेंगे क्योंकि दीर्घवृत्त पर स्थित है इसलिए क्या रखेंगे x बराबर 2.5 एंड y बराबर कितना रख देंगे एच। अच्छा यहाँ पे 2.5 रख दो तो 2.5 का स्क्वायर प्लस 4 y का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर इक्वल टू 16, तो 4h स्क्वायर इक्वल टू कितना 16 माइनस देखो 2.5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना है 625, तो 6.25 इधर प्लस का होगा उठ के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ठीक ना, माइनस है इधर लेगा ना। अब 16 में से इसको घटा दो कितना 15.75 15.75 क्यों 15 क्यों आएगा, अरे 16 में से 6 घटा के कितना बचेगा 10 सॉरी 10 नहीं 9.75 इसी तरीके से क्वेश्चन बना देता है। एच स्क्वायर बाय कितना जाएगा ये 4 डिवाइड में जाएगा इस उसको डिवाइड कर दो कितना आएगा 4 × 2 = 8 बचे कितना 1 4 × 4 = 16 नहीं घटेगा बचे कितना 15 × 4 = 16 लगभग में लेते रूड ऑफ 2.44 इसका मान निकाल देना अब तुम्हें पता है कैसे निकालना है क्वेश्चन नंबर 5 पे। अच्छा क्वेश्चन है चलो आज खत्म हो जाएगी। एक 12 सेंटीमीटर लंबी छड़ इस प्रकार चलती है कि इसके सिरे निर्देशांकों की अपेक्षा सॉरी सिरे निर्देशांकों को स्पर्श करते हैं, इनके सिरे जो है वो कहां स्पर्श करेंगे निर्देशांकों को। अब कह रहे कि छड़ के बिंदु P का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जो x अक्ष के सापेक्ष संपर्क वाले सिरे से 3 सेंटीमीटर दूर है। देखो एक छड़ है क्वेश्चन को पढ़ो टेस्ट हुई ये वाई हो गया ये हमारा एक्स अक्ष हो गया ये जो है एक छड़ है बाद में जिसकी लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर है कितना सेंटीमीटर है 12 सेंटीमीटर। पहले क्वेश्चन समझ बाद में समझाऊंगा मैं बता रहा हूँ ठीक है कह रहे कि एक 12 सेंटीमीटर लंबी छड़ इस प्रकार चलती है कि जिसके सिरे निर्देशांकों को स्पर्श करते हैं छड़ के बिंदु P का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जो x अक्ष के या x अक्ष के संपर्क वाले सिरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मतलब यहां से अगर हम बात करते हैं तो बिंदु P जो है इसमें इस छड़ पे कोई एक बिंदु P है
कह रहे कि ये जो बिंदु P है वो X सिरे जहां पे ये X सिरे को टच कर रहा है इससे कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इस सिरे से इसकी दूरी कितना जाएगा, 12 - 3 कितना जाएगा, 9 सेंटीमीटर कितना जाएगा, 9 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये दोनों क्या है, समांतर है। हम मान लेते हैं जो P का जो कोऑर्डिनेट है, P का जो निर्देशांक है वो क्या, एक्स कॉमा वाई। क्वेश्चन है कि एक 12 सेंटीमीटर का एक लंबा छड़ ए बी मान लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए बी। ए बाई एक्स पे टच करता है, बी एक्स एक्स पे टच करता है, करता है ये इस प्रकार चलता है, इस प्रकार इसको घुमाया जाता है या इस प्रकार इसको मूव कराया जाता है। तो जब इसको मूव कराएंगे या गति करेंगे जैसे भी कुछ कराएंगे तो कह रहे हैं कि इसका जो बिंदु P है, एक बिंदु इस पे P होगा, कह रहे कि इस बिंदु P का पथ कैसा होगा। जैसे मान लो अगर ये सीधे जाएगा ना तो बिंदु का पथ का कैसा होगा, स्ट्रेट होगा, सीधे जाएगा। अगर इसको घुमाएंगे तो इसके साथ साथ P भी घूमेगा, तो P का पथ कैसा होगा, वृत्ति होगा, वही होगा। अच्छा, अब कह रहे कि इसको किस तरीके से घुमाया जा रहा है वो मैं ये नहीं बताया कि सीधे घुमा रहे हैं इसको, रोटेट करा रहे हैं। अब कह रहे कि बिंदु P जो है वो उसका पथ कैसा होगा, अगर उसको घुमाएंगे तो पथ कैसा बनेगा वो निकाल रहे हैं। तो इससे बिंदु P की जो दूरी दे रखा है बाई अक्ष सॉरी एक्स अक्ष से, जहां भी ये टच कर रहा है एक्स अक्ष को, यहां से कितने सेंटीमीटर पे है, 3 सेंटीमीटर पे। टोटल लेंथ कितना है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक, ए सीधे से पी तक की डिस्टेंस कितना जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, होगा। अच्छा, P का जो निर्देशांक है वो हम क्या मान लेते हैं, x कॉमा बाई हमने माना है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक जो दूरी है वो कितना होगा, x, यहां से यहां तक जो दूरी है वो क्या जाएगा, बनेगा। अच्छा, मान लेते हैं ये जो कोण है वो कितना है, थीटा है, तो ये वाला कोण भी कितना जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों ये दोनों समांतर है ना, ये थीटा है तो ये भी कितना जाएगा, थीटा जाएगा। तो यहां पे मान लेते हैं, माना पी का निर्देशांक मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स कोमा वाई है, एक्स कोमा वाई। अच्छा, और दे रखा है पी बी बराबर कितना, 3 सेंटीमीटर, और पी ए बराबर कितना दे रखा है, 12 - 3 बराबर 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, होगा क्लियर। अच्छा, यहां पे एंगल हम मान लेते हैं, माना एंगल बी बराबर कितना, थीटा, तो एंगल बी थीटा है तो एंगल पी भी क्या हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा। सिंपल है, अब हो गया। अब ए बी पी इसको ले लो आर और इसको ले लो एस। देखो हमारे पास दो ट्राइंगल है, थीटा ले लिया ना, फिर क्यू और थीटा में तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ले लिया। अब यहाँ पे दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ए आर पी, तो आर पी तो समकोण त्रिभुज है, यहां पे 90 डिग्री का बनेगा, ये समकोण बन गया। यहां पे तुम क्या निकाल सकते हो, हमारे पास ये वाला वैल्यू दे रखा है, ये हमारे पास दे रखा है, इन दोनों में रिलेशन, ये हमारे क्या जो आधार और ये जो हमारा कर्ण, आधार और कर्ण में किसका संबंध होता है, कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बताए आधार कितना है इसका एक्स, कर्ण कितना है 9, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा एक्स बाय 9। इक्वेशन फर्स्ट, तथा त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज है इसको ले लो एस पी बी में, एस पी बी में ये पी बिंदु है, ये बी, ये थीटा है, तो ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा, और ये हमारा लंब हो जाएगा। तो यहां पे लंब दे रखा है और हमारे पास कर्ण दे रखा है, तो लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है, साइन थीटा का, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है यहाँ पे वाई, कर्ण कितना है 3, तो यहाँ पे हमारे पास है क्या, साइन थीटा बराबर वाई अपॉन 3। ये क्वेश्चन सेकंड। अच्छा, अब यहाँ पे हमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो वाई अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स अपॉन 9 का स्क्वायर इक्वल टू 1।
ठीक है, तो यार एक्स स्क्वायर बटे कितना जाएगा 81, 9 का स्क्वायर तो वाई स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर कितना जाएगा 9। सर जी एक्स इधर चला गया, फिर वाई को ले लियो, जल्दी जल्दी पूरी बात। सर जी वो गलती से 81 हो गया, तुमने उसको वही छोड़ दिया, उसको मान ले लिया। एक्स स्क्वायर बटे कितना है 81, वाई स्क्वायर बटे नहीं, किसके समीकरण ही है, चीज तो गलत हो रही है सर जी, दिल्ली ब्रदर ना सर जी गलत हो रहा है। क्या क्या वो जो है आगे पीछे कैसे कर दिया? और पॉसिबल तो पद कैसा होगा? पद जो है बड़ा छोटा देख लेना, वो दीर्घवृत्त होगा, मतलब ए और कौन सा, मतलब बी को जब घुमाया जाएगा तो उसका पद कैसा बनेगा? दीर्घवृत्त का बनेगा। करो एक एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 6, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो परवलय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 बाई इस शीर्षों को उसके नाभिलंब जीवा के शीरों को मिलाने वाली रेखाओं से बना, ठीक है ना। तो एक परवलय का इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 बाई, इसका इक्वेशन हो जाएगा ये, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, इसके नाभिलंबों के शीर्ष ये वाले पॉइंट्स और इसका शीर्ष, इनको मिलाने वाले एक त्रिभुज बनेगा ए बी सी डी, तो हमें इस ए बी सी डी का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए इक्वेशन दे रखा हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 बाय, तो इसको हम कंपैरिजन करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 ए बाय, क्योंकि पैराबोला किस एक्स पर है, वाई एक्स पर है, तो यहाँ पे 4 ए इक्वल टू कितना 12, तो यहाँ से ए का वैल्यू निकलेगा कितना आएगा 3। देखो ए का वैल्यू 3 आ जाएगा, तो ए बी है इसके नाभिलंब जीवा की लंबाई, तो ए बी बराबर क्या जाएगा 4 ए और 4 बी बराबर आ जाएगा 12। अच्छा यहां से सी डी, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ऊंचाई है वो कितना जाएगा 3, नाभि के लंबाई के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार हो जाएगा इसका ए बी ये, ठीक ना, और सी डी जो हो जाएगा इसकी ऊंचाई ये, ठीक ना। ए बी का वैल्यू 6 सॉरी 12, सी डी का वैल्यू कितना जाएगा 3, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 6, 6 3 जो 18, ये जो इसका आंसर, चेक कर लेना एक बार।